हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट स्टूडेंट आज की वीडियो हमारी फिर से रहेगी सोशियोलॉजी बेस्ड जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं तो वीडियो को पूरा देखने से पहले वीडियो के एंड तक बने रहें सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर चैनल पे नए हैं तो शेयर करें लाइक करें और कमेंट करें और वीडियो के एंड पे सारे के सारे अपने स्कोर बताने की कोशिश करें कि कितना स्कोर आप गेन करते हो इन एम वगैरह में और देखते हैं कितनी अच्छी तैयारी आपकी हुई है अभी तक जो कि आपका अपकमिंग एग्ज़ाम है सोशल वेलफेयर उसकी तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन आपके सामने है जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 151 क्या कहता है कि द नेम मार्क्स गेव टू द प्रोसेस वेयर बाय द मीन ऑफ प्रोडक्शन बिकम द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ वन क्लास ऑफ पर्सन एंड क्रिएट द पॉपुराइजेशन ऑफ द डायरेक्ट प्रोड्यूसर जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका चारों में से क्या इसका ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर का ए है बी है सी है डी तो ए ऑप्शन है कॉमिटाइजेशन बी है सरप्लस वैल्यू सी है प्रिमिटिव एकोमोडेशन और डी है डिवीजन ऑफ लेबर जल्दी से बताइए आई होप सबने गेस्ट कर लिया होगा तो राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट आपके लिए इसका सी प्रिमेटिव एकोमोडेशन इज द राइट आंसर ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 152 वो क्वेश्चन uh, नंबर 152 कहता क्या है कि अकॉर्डिंग टू द मैक्स मैक्स के मुताबिक डैश ब्रेक द फंडामेंटल कनेक्शन कनेक्शन ह्यूमन बींग मीन ऑफ प्रोडक्शन इन टर्म ऑफ इकोनॉमिक सबसिस्टेंस एंड सर्वाइवल जल्दी से बताइए क्या आंसर हो सकता है ए एलिनेशन बी कॉमोडिटाइजेशन सी प्रोडक्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी और डी एक्सचेंज ऑफ गुड चारों में से क्या राइट आंसर हो सकता है जल्दी से बताइए आई होप सब ने आंसर गेस कर लिया होगा तो जिन्होंने नहीं किया उनके लिए राइट आंसर रहेगा आपका स्टूडेंट ए एलिनेशन इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू मैक्स एलिनेशन ब्रेक करता है फंडामेंटल कनेक्शन बिटवीन ह्यूमन बींग हैव टू बी द मीना प्रोडक्शन इन टर्म ऑफ इकोनॉमिक सब्सिस्टेंस एंड सर्वाइवल आगे है क्वेश्चन नंबर वन फिफ्टी थ्री जल्दी से आंसर बताइए क्वेश्चन स्क्रीन पर सामने है जल्दी करिए मैक्स के मुताबिक कह रहा है कि वेन वर्कर बिकम एस्ट्रेंज फ्राम द थिंग्स दे प्रोड्यूस इट इज़ कॉल्ड जल्दी से बताइए मैक्स के मुताबिक अगर वर्कम वर्कर जो थे वो स्ट्रेंज फील करते फ्रॉम द थिंग दे प्रोड्यूस जो चीज़ें वो क्या कर रहे हैं प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे स्ट्रेंज फील करते हैं या स्ट्रेंज होते हैं उसे क्या कहते हैं ठीक है एलिनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट एक्टिविटी एलिनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट एलिनेशन फ्रॉम द स्पीसीज एलिनेशन फ्रॉम द फेलो बिंग्स जल्दी से बताइए वन के लिए आपका सही उत्तर क्या होने वाला जल्दी से बताइए ए है बी है सी है या डी है आई होप सबने गेस कर लिया होगा तो राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट आपके लिए बी एलेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट इज द राइट आंसर ठीक है अगर वो आ, आ, बिकम हो जाती है स्ट्रेंज जो प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं एलेशन फ्रॉम द प्रोड्यूस आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 154 बिल्कुल सामने आंसर करिए कह रहे द टाइप ऑफ एलेशन इन विच ह्यूमन बींग loses कंट्रोल अवर द कैपेसिटी ऑफ देयर लेबर टू affirm their देयर बींग एंड their देयर सेल्फ एग्जिस्टेंस इज जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा ए एलनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट एक्टिविटी बी एलनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट सी एलनेशन फ्रॉम द सेल्फ एंड डी एलनेशन फ्रॉम द फेलो बींग्स जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा आई होप गेस कर लिया होगा तो राइट right आंसर 154 का जो रहने वाला आपके सामने वो है एलिनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट एक्टिविटी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है एलिनेटेड फ्रॉम द ह्यूमन सोशल कम्युनिटी इज इट इज कॉल्ड क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं वेन अ पर्सन इज एलिनेटेड फ्रॉम द ह्यूमन सोशल कम्युनिटी अगर कोई पर्सन जो है वो अलिनेटेड है किससे ह्यूमन सोशल कम्युनिटी से उसे क्या कहते हैं एलिनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट एक्टिविटीज ए बी एलेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट सी एलनेशन फ्रॉम द स्पीसीज डी एलोलेशन फ्रॉम द फेलो ह्यूमन जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका आई होप सबने आंसर यस yes, कर लिया उन्हें जिन्होंने नहीं किया उनके लिए राइट आंसर रहेगा आपके पास डी याद रखिएगा ए फ्रॉम द फेलो ह्यूमन अगर कोई इंसान रिलेटेड है ह्यूमन सोशल कम्युनिटी से उसे अलेशन फ्रॉम द फेलो ह्यूमन कहते हैं याद रखिएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे द टर्म यूज बाय दुर्खीम टू आइडेंटिफाई अ सिस्टम ऑफ सोशल रिलेशन लिंकिंग इंडिविजुअल टू ईच अदर एंड द एंड टू द सोसाइटी एज अ होल इज क्या आएगा ए एकॉमोडेशन बी एसोसिएशन सी सोशल सोलिडिटरी एंड डी सोशल फैक्ट जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा आई होप सब ने आंसर गेस कर लिया होना है. तो जिन्होंने नहीं किया उनके लिए राइट आंसर रहेगा आपके पास सी सोशल सोलडिटरी इज द राइट आंसर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 157 पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर ऑप्शन देखेंगे क्या कह रहे हैं फॉर दुखीम फॉर दुर्खीम डैश डिस्क्राइब द डिग्री ऑफ सोशल इंटीग्रेशन विच लिंक्ड इंडिविजुअल टू सोशल ग्रुप आउटसाइड देम क्या आएगा इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए दुर्खीम के मुताबिक क्या चीज ऐसी है जो डिस्क्राइब करती है सोशल इंटीग्रेशन को डिग्री ऑफ सोशल इंटीग्रेशन को लिंक्ड इंडिविजुअल टू सोशल ग्रुप जो लिंक करता है किसी भी एक इंडिविजुअल को उसके सोशल ग्रुप के साइड साथ में आउटसाइड देम ठीक है तो ऑप्शन आपके सामने जल्दी से बताइए क्या उत्तर रहेगा इस क्वेश्चन का ठीक है ए है बी है एसोसिएशन सी uh, uh, है सोशल डेरिटी एंड डी है सोशल फैक्ट जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा आई होप सब ने आंसर गेस कर लिया होगा तो राइट आंसर रहेगा आपके पास सी सोशल सोलिट्री इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन फिफ्टी सेवन नेक्स्ट क्वेश्चन सामने आंसर करिए क्वेश्चन नंबर वन फिफ्टी एट गल से करिए क्या कह रहा है क्वेश्चन द टाइप ऑफ सोशल बॉन्डिंग डेट डिस्करेज इंडिविजुअल ऑटोनोमी इन अटी इज टर्म्ड एज ऐसे टाइप सोशल बॉन्डिंग की जो डिस्करेज करती है एक इंडिविजुअल को ऑटोनोमी से इन सोसाइटी मैकेनिकल सोल्डेट्री ऑर्गेनिक सोल्डेट्री होमोजीनियस सोल्डेट्री आर हिटीरोजीनियस सोल्डेट्री क्या आंसर होगा जल्दी से बताइए 158 का आई होप सबने गेस कर लिया होगा तो राइट आंसर मैकेनिकल सोलडेट्री याद रखिएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन क्या कह रहे हैं वेन अ सोसाइटी इज विद अ होमोजीनियस पॉपुलेशन विच इज स्मॉल एंड आइसोलेटेड इट इज करेक्टराइज बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ जब कोई सोसाइटी किसके साथ में होमोजीनियस पॉपुलेशन के साथ ठीक है होमो का मतलब सेम होता है सेम तरह की पॉपुलेशन के साथ विच इज स्माल जो छोटी हो आइसोलेटेड हो थोड़ी सी और करेक्टराइज बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ किसकी एग्जिस्टेंस मतलब इनमें से कौन सी उनकी करेक्टर सिक्स है एग्जिस्टेंस की वो बतानी है आपको क्या वो ए है मैकेनिकल सोलिट्री बी है ऑर्गेनिक सोलट्री सी है होमोजीनियस सोलट्री या डी है हिटीरोजीनियस सोलट्री जल्दी से आंसर करिए वन फिफ्टी नाइन का तो राइट आंसर वन फिफ्टी नाइन का भी रहेगा आपके पास ए मैकेनिकल सोलिट्री इज द राइट आंसर याद रखिएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे इन अर सोसाइटी वेयर लेबर इज स्पेशलाइज्ड एंड इंडिविजुअल लिंक्ड मोर टू ईच अदर एक ऐसी सोसाइटी जिसमें लेबर जो है वो स्पेशलाइज्ड हो स्पेशल काम जानती हो ठीक है इंडिविजुअल स्पेशल काम जानते हो ठीक है एक दूसरे के साथ लिंक हो मोर टू ईच अदर देन दे आर टू सोसाइटी एज अ होल इकट्ठे मिल के ऐसे स्पेशल लेबर जो है एक सोसाइटी बनाती है तो उसको क्या कहते हैं मैकेनिकल सोलडिट्री ऑर्गेनिक सोलडिट्री होमोजीनियस सोलडिट्री या हटीरोजीनियस सोलडिट्री क्या आंसर आएगा तो राइट right आंसर रहेगा स्टूडेंट आपके लिए 160 का बी ऑर्गेनिक सोलट्री ठीक है ऐसी लेबर जो स्पेशलाइज्ड हो इंडिविजुअल लिंक हो एक दूसरे के साथ एक सोसाइटी में ठीक है पूरे के एक सोसाइटी बनाते हों स्पेशल तरह की लेबर जो स्पेशलाइज्ड हो किसी चीज़ में उसे ऑर्गेनिक सोलट्री कहते हैं आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सामने आंसर करिए क्वेश्चन नंबर वन सिक्सटी वन क्या कह रहा हैं अकॉर्डिंग टू दुर्खीम द प्राइमरी करेक्ट्रिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक सोलडेट्री इज द डेवलपमेंट ऑफ क्या होगा दुर्खीम के मुताबिक प्राइमरी करेक्ट्रिस्टिक्स बतानी है ऑर्गेनिक सोलडेट्री की ठीक है ऑर्गेनिक सोलडेट्री जो है किसकी डिवेलपमेंट है सोशल फैक्ट की सुसाइड की डिवीजन ऑफ लेबर की या फिर फोर्स लेबर ए बी सी या डी चारों में से क्या इसका सही आंसर हो जल्दी से कमेंट करिए आई होप सब ने गेस्ट कर लिया होगा तो राइट आंसर रहेगा डिवीजन ऑफ लेबर बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ठीक है ऑर्गेनिक सोलडिट्री जो है इसकी प्राइमरी करेक्टिक्स किसकी डिवेलपमेंट को कहते हैं हम ये डिविजन ऑफ लेबर इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन सामने आंसर करिए अकॉर्डिंग टू दुर्खीम वेन एन इंडिविजुअल क्राइसिस ब्रेक डाउन द सोशल सोलट्री एग्जिस्टेंस बिटवीन एग्जिस्टिंग बिटवीन द स्पेशलाइज फंक्शन एंड क्रिएट अ डिक्लाइन इन सोशल कोइशन इट इज कॉल्ड ए द फोर्स डिवीजन ऑफ लेबर बी पू डिवीजन ऑफ लेबर सी एब नॉर्मल डिवीजन ऑफ लेबर एंड डी एनोमिक डिवीजन ऑफ लेबर क्या आंसर होगा चारों में से ए बी सी डी चारों में से क्या आंसर है आई होप सबने गेस कर लिया होगा जिन्होंने नहीं किया उनके लिए राइट right आंसर है स्टूडेंट डी एनोमिक डिवीजन ऑफ लेबर इज द राइट आंसर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 163 क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू दुर्खीम डैश आर एक्सटर्नल टू द इंडिविजुअल इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो एक्सटर्नल है इंडिविजुअल के लिए ए सोशल फैक्ट बी सोशल सोलटरी सी सोशल जस्टिस एंड डी सोशल सेंक्शन चारों में से क्या सही आंसर होगा जल्दी से बताइए आई होप सबने आंसर गेस कर लिया होगा तो राइट right आंसर 163 के लिए जो रहेगा आपके पास स्टूडेंट वो है ए सोशल फैक्ट इज द राइट आंसर सोशल फैक्ट जो है दुर्खिम के मुताबिक ये एक्सटर्नल है किसके लिए किसी भी इंडिविजुअल के लिए याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन सामने है जल्दी आंसर करिए दुर्खीम मेंटेन डैट इन ऑर्डर टू स्टडी सोशल फैक्ट इट शुड बी कंसीडर्ड एज दुर्खिम मेंटेन कर रहा है डैट इन ऑर्डर टू स्टडी सोशल फैक्ट अगर हम किसकी स्टडी कर रहे होंगे सोशल फैक्ट की इट शुड बी कंसिडर्ड है क्या मानेंगे एब्सट्रैक्ट बी थिंग्स सी फैक्ट डी पैथोलॉजिकल जल्दी से बताइए चारों में से क्या इसका सही आंसर होगा आई होप सबंध ने गेस्ट कर लिया होगा तो राइट आंसर वन सिक्सटी फोर का रहेगा बी थिंग्स इज द राइट आंसर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अकॉर्डिंग टू दर्खीम द स्टडी ऑफ द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी एंड इट्स क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एक्ट्रीविटीज कैन बी कॉल्ड एज क्या कहेंगे उसे जल्दी से बताइए स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी ठीक है और उसकी क्लासीफिकेशन बेस्ड करती हैं किसी एक्ट्रिविटीज के ऊपर उस एक्ट्रिविटीज को क्या कहती हैं ए सोशल पैथोलॉजी b. सोशल फिनोमिनोलॉजी c. सोशल मार्फोलॉजी एंड d. सोशल साइकोलॉजी जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा तो राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट सी सोशल मार्फोलॉजी इज द राइट आंसर ठीक है 165 के लिए याद रखिएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डैश इज द रिजल्ट ऑफ़ द वीकनिंग ऑफ बोन्ड विच टाई द इंडिविजुअल टू द सोसाइटी इनमें से कौन सा ऐसा रिजल्ट है जो हमें वीकनिंग ऑफ द बोन्ड के बारे में बताता है इंडिविजुअल का उसकी सोसाइटी के साथ ए एनोमिक सुसाइड बी फैटलिस्टिक सुसाइड सी इगोस्टिक सुसाइड डी एल्ट्रुस्टिक सुसाइड जल्दी से आंसर करिए

ठीक है ज़्यादा सोशल इंटीग्रेशन की वजह से जो टाइप ऑफ सुसाइड होती हैं उसके बारे में आपको बताना जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा क्या वो ए e है अनोमिक सुसाइड क्या वो बी है फैटलिस्टिक सुसाइड क्या वो सी है इगोस्टिक सुसाइड क्या वो डी है एल्ट्रोस्टिक सुसाइड जल्दी से बताइए 167 का राइट आंसर आई होप सब कर लिया होगा तो 167 का जो राइट आंसर वो आपके पास डी है एल्ट्रोस्टिक सुसाइड इज द राइट आंसर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 168 सामने है आंसर करिए कह रहे द सुसाइड ऑफ द ओल्डर मैन थ्रेटन विद सेवियर इलनेस इन इज एन एग्जाम्पल फॉर सुसाइड किसी ओल्डर मैन की थ्रेटेन विद द सेविर इलनेस ठीक है या एक थ्रेट, थ्रेट का, का काम करती है बहुत सारी इलनेस का ठीक है इज एन एग्जाम्पल फॉर क्या आएगा वो ए अल्ट्रोस्टिक सुसाइड बी एनोमिक सुसाइड सी फैटलिस्टिक सुसाइड डी गोस्टिक सुसाइड चारों में से क्या सही आंसर होगा जल्दी से बताइए आई होप सब ने गेस्ट कर लिया होगा तो राइट आंसर येगा आपके पास ए अल्ट्रोस्टिक सुसाइड इज द राइट आंसर ए इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर एट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन क्या करे डैश इज एट द अपोजिट पोल ऑफ सोशल इंटीग्रेशन टू एल्ट्रोस्टिक सुसाइड इनमें से कौन सा जो है वो अपोजिट पोल है किसी सोशल इंटीग्रेशन का टू एल्ट्रोस्टिक सुसाइड पे ए एल्ट्रोस्टिक सुसाइड बी एनोमिक सुसाइड सी फैटलिस्टिक सुसाइड डी इगोस्टिक सुसाइड चारों में से क्या सही आंसर होगा वन सिक्सटी नाइन का आई होप सबने ने कर लिया होगा तो राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट आपके लिए डी इगोस्टिक सुसाइड इज द राइट आंसर इगोस्टिक सुसाइड इज एट द अपोजिट पोल ऑफ सोशल इंटीग्रेशन टू एल्ट्रोस्टिक सुसाइड याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर वन सेवनटी चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं द टाइप ऑफ अल्ट्रोस्टिक सुसाइड इन विच सोसाइटी इम्पोज एंड एक्सप्लिक्ट ड्यूटी ऑन इंडिविजुअल टू टेक देयर ओन लाइफ बट लैकिंग स्पेसिफिक कोरसिव प्रेशर फ्रॉम द कम्युनिटी इज नाउन एज ए ऑप्शनल अल्ट्रोस्टिक सुसाइड बी ऑब्लिगेटरी अल्ट्रोस्टिक सुसाइड सी अक्यूट अल्ट्रोस्टिक सुसाइड डी माइस्टिक अल्ट्रोस्टिक सुसाइड क्या आंसर रहेगा इसका सही जल्दी से बताइए आई होप सबने गेस कर लिया होगा तो राइट आंसर आपके पास बी ऑब्लिगेटरी एल्टोस्टिक साइड इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर वन सेवनटी क्वेश्चन नंबर वन सेवनटी वन सामने आलिए आंसर सुसाइड अकरिंग ड्यू टू एक्सेस ऑफ सोशल रेगुलेशन इज कॉल्ड वह टाइप सुसाइड की जो होती है एक्सेस ऑफ सोशल रेगुलेशन की वजह से क्या कहते हैं उसे ए अल्ट्रोस्टिक सुसाइड बी एनोमिक सुसाइड सी फैटलिस्टिक सुसाइड डी इगोस्टिक सुसाइड चारों में से क्या सही आंसर होगा जल्दी से कमेंट करिए वन वन का आई होप सब ने गेस्ट कर लिया होगा तो राइट आंसर देगा स्टूडेंट आपके लिए सी फटलिस्टिक सुसाइड इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए क्वेश्चन नंबर वन सेवेंटी टू एक और बात कि अगर आपने बाकी वीडियोस नहीं देखी तो आप देख सकते हो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी एम की मेरी प्लेलिस्ट में सीधा प्ले लिस्ट में घुसी वहाँ पर बहुत सारी एम सी क्यूज़ बने सो इसी के ऊपर सोशल वेलफेयर के ऊपर आप देख सकते हो तो विद इन डेज़ या आज ही शाम तक आ, या कल तक आपको एक और वीडियो मिल जाएगी साइंस वेस्ट ठीक है इसके बाद साइंस के भी कुछ एम वगैरह आपको करा दूंगा फिलहाल के लिए क्वेश्चन सामने ने इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 172 क्या कह रहा था डॉक्टर इन डेट होल द व्यू डेट हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेज आर डिटरमाइंड बाय अ सीक्वेंस ऑफ इकोनॉमिक इवेंट कनेक्टेड टू द एक्ट ऑफ प्रोडक्शन इज नाउन एज ए हिस्टोरिकल मैटरलिज्म बी रेशनलाइजेशन सी इकोनॉमिक डिटरमिनिज्म डी इकोनॉमिक मैटरलिज्म जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा वन का आई होप सब ने आंसर गेस कर लिया होगा तो राइट आंसर रहेगा आपके पास सी इकोनॉमिक डिटरमिनिज्म इज द राइट आंसर ठीक है आई होप क्लियर हो गया होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर वन सेवेंटी थ्री है वीबर प्लेस्ड डैश एज द की ऑफ अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा ए पावर बी आइडियल टाइप सी ब्यूरोसी डी रेशनलाइजेशन जल्दी से बताइए क्या इसका सही उत्तर होगा आई होप सब ने गेस्ट कर लिया होगा तो राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट आपके लिए डी रेशनलाइजेशन इज द राइट आंसर वीबर प्लेस्ड रेशनलाइजेशन एज द की टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 174 सामने है जल्दी आंसर करिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि अकॉर्डिंग टू द वीबर द प्रोसेस बाय विच नेचर सोसाइटी एंड इंडिविजुअल एक्शन आर इंक्रीजिंगली मास्टर्ड बाय एंड ओरिएंटेशन टू प्लानिंग टेक्निकल प्रोसीजर एंड रेशनल एक्शन इज कॉल्ड ए रेशनलाइजेशन बी रेशनैलिटी सी सोशल कॉजेशन एंड डी इंडिविजुअल ऑटोनोमी जल्दी से बताइए क्या इसका सही उत्तर होगा होप गेस कर लिया होगा तो right answer है आपके पास ए रेशनलाइजेशन इज नंबर 175 क्या कह रहे हैं कि द टर्म वीबर यूज टू रेफर टू कैपेसिटी ऑफ सोशल एक्शन टू बी सब्जेक्ट टू कैलकुलेशन इन द मीन्स एंड एंड ऑफ एक्शन इज ए रेशनलाइजेशन बी रेशनैलिटी सी सोशल कॉशेशन एंड डी कैल्कुलेशन जल्दी से बताइए वन सेवेंटी फाइव के लिए राइट आंसर क्या हो आई होप सब ने गेस्ट कर लिया होगा तो राइट आंसर रहेगा बी रेशनैलिटी इज द राइट आंसर याद रखिएगा आज के वीडियो में इतना ही ठीक है अच्छे से तैयारी करिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना बोलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो